एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन एलसीआर सर्किट। अब हम न्यूमेरिकल कर पाएंगे एलसीआर का। तो एलसीआर के अंदर हमने क्या किया, इम्पीडेंस की, टेन फाई किया, कॉस फाई किया, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी की और क्यू वैल्यू भी हमने कर ली। और इसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 1, 37th क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में फाइंड द इम्पीडेंस ऑफ, इम्पीडेंस का सिंबल क्या है, जेड। सीरीज एलसीआर सर्किट है, इफ रिएक्टेंस सी एंड एल, रिएक्टेंस का मतलब क्या होता है, एक्स सी और एक्स एल। तो एक्स सी की वैल्यू 250 है, एक्स एल की वैल्यू 220 है और आर की वैल्यू इसमें गिवन है। सब कुछ तो दे ही रहे, जेड का फॉर्मूला सबको पता है, आर पता है, रिएक्टेंस एक्स एल पता है, रिएक्टेंस एक्स सी पता है। सॉल्व करके आंसर क्या है, पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक है यहां तक। तो इंपीडेंस के फॉर्मूले में तीनों रेजिस्टेंस को पुट करके आंसर आ जाएगा। अब थोड़ी और कैलकुलेशन बढ़ाते हुए एग्जाम्पल नंबर 38, रजिस्टर ऑफ 50 ओम तो क्या गिवन है, आर। इंडक्टर, इंडक्टर क्या गिवन है, एक्स एल की एल। अगर तो यूनिट ओम है, अगर कंफ्यूजन होती है फिर तो एक्स एल, और अगर हेनरी है तो सिर्फ एल, हेनरी है तो एल, इंडक्टेंस एल। कैपेसिटेंस सी गिवन है, वोल्टेज सोर्स जब कुछ ना गिवन हो तो कौन सी वोल्टेज होती है, ई आरएमएस, और फ्रीक्वेंसी गिवन है, इंपीडेंस निकालनी है। अरे इंपीडेंस का फॉर्मूला तो वही है सेम पुराना, फर्क यह है कि पिछले क्वेश्चन में एक्स एल और एक्स सी आपको दे रहा था, इसमें एक्स एल निकालने को कहेगा। एक्स एल क्या होता है, एल ओमेगा, एक्स सी क्या होता है, 1/c ओमेगा, ओमेगा क्या होता है, 2.2 फ्रीक्वेंसी। एक्स एल निकालो, एक्स सी निकालो, पुट करो और आंसर। पॉइंट समझ में आया कि कैसे करना है इंपीडेंस की प्रॉब्लम्स। अब इस क्वेश्चन को एक बार देखो, 39। देखो, व्हाट विल बी द रीडिंग इन द वोल्ट मीटर एंड एम मीटर ऑफ द सर्किट। तो इसके अंदर ये तीन एक्स सी और एक्स एल और आर, ये किस में कनेक्टेड है, इन सीरीज। इसको मत देखो, ये वोल्ट मीटर रीडिंग मेजर करना चाहता है। एम मीटर, वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी, रूल नंबर 1, एम मीटर जो बाय डिफॉल्ट मेजर करेगा एसी में वो आई आरएमएस ही मेजर करेगा, और वोल्ट मीटर क्या मेजर करेगा, वी आरएमएस मेजर करेगा। तो पहले करंट मेजर कर लेते हैं। आप एक बात बताओ, आपको एक्स सी पता है, एक्स एल पता है, आपको आर पता है, तो इन वैल्यूज को यहाँ पुट करके क्या आ जाएगी, इम्पिडेंस जेड आ जाएगी, ठीक है यहाँ तक। आपको इस क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि 90 वोल्ट गिवन है, कुछ बोल तो रहा नहीं कौन सी वोल्ट है, तो कौन सा है, ई आर एम एस। तो आपको अब वी आर एम एस पता है, ई आर एम एस पता है, आपको जेड पता है, सॉल्व करके क्या आ जाएगा, आई आर एम एस, और यही एमीटर का करंट है। पहला रूल क्लियर है, एमीटर का करंट आ गया। फिर वो क्या कह रहा है, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर निकालो। अब वोल्ट मीटर किस, किन दो पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है, इनके बीच में कनेक्टेड है, और इनके बीच में ये दो चीजें कनेक्टेड हैं, कौन कौन, कैपेसिटर और इंडक्टर, रेजिस्टर तो है नहीं। तो ये बताओ कि जो वोल्टेज होती है ना, जो वी की नेट वैल्यू होती है एलसीआर में, वो क्या होती है, अंडर रूट ऑफ वी आर का स्क्वायर, वी एल माइनस VC। अब VR तो लेना ही नहीं, इन दोनों के अंदर VR है कहां, तो क्या बचा, VL माइनस VC। तो क्या बचा, सिर्फ VL माइनस VC, तो इफेक्टिव वोल्टेज क्या होगी, VL माइनस VC। अगर यहां से समझ में नहीं आता कोई बात नहीं, ऐसे देख लो। सपोज करो आपको ये याद है डायग्राम, लास्ट टाइम LCR का डायग्राम किया था हमने, ये था VL, ये था VC, ऐसे ही था। तो इस केस में इफेक्टिव वोल्टेज, अगर मान लो रेजिस्टर को ना लेना हो,
इंडक्टर और कैपेसिटर को लेना हो तो आंसर या तो नेट वोल्टेज का वी एल माइनस वी सी आएगा या वी सी माइनस वी, वेक्टर फॉर्म में तो माइनस हो गया आ रहा है, तो या तो वी के फॉर्मूले से न्यूमेरिकल कर लो या वेक्टर फॉर्म से कर लो, आंसर वही आना है वी एल माइनस वी सी। क्लियर है? तो मैंने इसमें क्या लगाया, मैंने इसमें लगा दिया वी नेट जो रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर है वी एल माइनस वी सी। वी एल क्या होता है? आई इंटू एक्स एल। वी सी क्या होता है? आई इंटू एक्स सी। तो आई कौन सा? आर एम एस। तो एक्स एल पता है, एक्स सी पता है, कमाल की बात है, दोनों की वैल्यू एग्जैक्टली। तो कर क्यों रहा हूँ मैं क्वेश्चन, जब वी एल और जब एक्स एल एक्स सी के इक्वल ही है, तो वी एल वी सी के इक्वल ही है, तो नेट वोल्टेज एल और सी के क्रॉस क्या हो जाएगी? जीरो। और वेक्टर फॉर्म भी वी एल वी सी को क्या कर रहा है? कैंसल, वैसे आंसर जीरो। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि इंडक्टर, मैंने क्या बोला था, रेजोनेंस के साथ ही सब कुछ होना है जो होना है, वी एल वी सी के इक्वल, एक्स एल एक्स सी के इक्वल, कहीं ना कहीं रेजोनेंस की इंडिकेशन है सारी की सारी। समझ में आ रहा है यहाँ तक? ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। 40th पढ़ो। यस सर। आइडेंटिफाई करो 40th क्वेश्चन कैसे करना है। देखो इसमें 0.3 हेनरी इंडक्टर क्या गिवन है? एल। 60 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर क्या गिवन है? सी। 50 ओम रेजिस्टर क्या गिवन है? आर। एलसीआर गिवन है। 120 वोल्ट क्या गिवन है? ई। आरएमएस फ्रीक्वेंसी गिवन है। फाइंड इंपीडेंस, तो पहला पार्ट तो इजी है, इंपीडेंस निकालना है। एक्स एल इज एल ओमेगा, ओमेगा इज 2.2 फ्रीक्वेंसी, एक्स सी इज 1/c ओमेगा। तो सीधा यहाँ पुट करेंगे, R पता है, एक्स एल एक्स सी हमने निकाल लिया, सॉल्व करके क्या आ गया? Z आ गया। फिर कह रहा है कि अफेक्टिव करंट क्या है? अफेक्टिव करंट का मतलब क्या होता है? आई आर एम एस। आई आर एम एस क्या होता है? वी आर एम एस बाय Z। तो वी आर एम एस बाय Z करोगे, आंसर आ गया। तो क्लियर है यहाँ तक? जब पूछना मेंशन हो तो आई आर एम एस निकालना है। 41 क्वेश्चन। नेक्स्ट है रेजिस्टर ऑफ 12 ओम क्या गिवन है? आर। कैपेसिटेंस ऑफ रिएक्टेंस 14 ओम क्या गिवन है? एक्स एल। प्योर इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस क्या गिवन है? एल। देखो उसने क्या किया, नॉर्मली एक्स एल के साथ एक्स सी इकट्ठा चलता है, एक तो एक्स सी दे दिया, एक्स एल देने की बजाय एल दे दिया ताकि एक्स एल खुद कैलकुलेट करो। आगे ई आर एम एस फ्रीक्वेंसी की मैंने करंट निकालो, अब कौन सा करंट? आर एम एस। पहले क्या निकलेगा? जेड। जेड क्या होता है? ये फॉर्मूला जेड का
आर पता है, एक्स सी पता है, एक्स एल नहीं पता। पहले निकालो, एक्स एल इज इक्वल टू एल टाइम्स ओमेगा, ओमेगा 2.2 फ्रीक्वेंसी एक्स एल। तो आर पता है, एक्स एल पता है, एक्स सी पता है, क्या जाएगा सेट, ठीक है। और करंट क्या होगा, ई आर एम एस बाय जेड, ई आर एम एस 200 है, जेड पता है, आंसर क्लियर है यहाँ तक। अब नेक्स्ट इसमें और पार्ट क्या निकालना है, फेज एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। एल सी आर में फेज एंगल क्या होता है, टेन फाई, टेन फाई क्या होता है, एक्स एल माइनस एक्स सी बाय आर, एक्स एल पता है, एक्स सी पता है, आर पता है, आंसर। तो यहाँ से टेन इनवर्स में आंसर छोड़ देना, इतना तो क्या निकालो, यहाँ तक सफिशियंट है, समझ में आ रहा है यहाँ तक। 42nd क्वेश्चन, क्वेश्चन है एल सी आर सर्किट है, एल पता है, सी पता है, आर पता है, और 240 वोल्ट क्या है, आर एम एस। क्या निकालना है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स ओमेगा, ताकि क्या हो जाए, रेजोनेंस। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कब होती है, फॉर्मूला ही लगा दो, 1/√ ऑफ एल सी, आंसर। और नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहे, करंट इन द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, करंट निकाल लो कौन सा, आई आर एम एस। आई आर में क्या है, वी आर में जेड, अब जेड क्या है, आर, रेजोनेंस के ऊपर जेड और आर एक ही बात है, तो जेड इज इक्वल टू आर, आंसर, ठीक है यहाँ तक। और लास्ट पार्ट है आपको निकालना है आर एम एस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर, तो कैपेसिटर में वोल्टेज निकालनी है, तो क्या यूज करेंगे, आई आर एम एस इंटू एक्स सी। तो यहाँ पर आई आर एम एस इंटू एक्स सी क्या है, 1/C ओमेगा। अब सी ओमेगा में ओमेगा क्या पुट करेंगे, रेजोनेंस का, क्योंकि उसने बोला एट रेजोनेंस, तो ओमेगा कौन सा, रेजोनेंस वाला, समझ में आ रहा है यहां तक, आंसर। 43 क्वेश्चन, देखो रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 400 ओम एंड कैपेसिटेंस ऑफ रिएक्टेंस, तो आर पता है और रिएक्टेंस कैपेसिटेंस का मतलब एक्स सी पता है, सीरीज टू 220, तो क्या गिवन है, वी आर एम एस गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, इफ करंट इन द सर्किट इज गिवन कौन सा, आई आर एम एस, फाइंड वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर एंड कैपेसिटर। तो सबसे पहली चीज, रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगी, आई इन टू आर, आई आर एम एस पता है, आर पता है, आंसर। कैपेसिटर में क्या होगी, आई आर एम एस इंटू एक्स सी, दोनों पता है, आंसर। सेकेंड पार्ट है वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस रिक्वायर्ड, यानी कि एल निकालना है, जब वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज, भाई एल सी आर सर्किट है, एल सी आर सर्किट में वो कह रहा है वोल्टेज और करंट सेम फेज में है, तो फाई क्या, जीरो। ऐसा तो तभी हो सकता है जब क्या होती है, रेजोनेंस। अलग अलग तरीके से रेजोनेंस क्वेश्चन देगा, तो रेजोनेंस है, क्योंकि रेजोनेंस में फाई ऑटोमेटिकली जीरो हो जाता है, तो रेजोनेंस के ऊपर एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी, एक्स सी क्वेश्चन में गिवन है मुझे, एक्स एल नहीं गिवन, तो एक्स एल में एल निकालना है, तो एक्स एल की जगह 2.2 फ्रीक्वेंसी मींस ओमेगा इनटू एल और एक्स सी, यहां से एल कैन बी कैलकुलेटेड।
पॉइंट क्लियर है यहां तक? क्वेश्चन नंबर 44, देखो रेजिस्टर ऑफ 2 ओम, कॉइल ऑफ इंडक्टेंस एल, आर पता है, एल पता है, एंड कैपेसिटर, कैपेसिटर की वैल्यू नहीं दे रहा वो आपको, कैपेसिटर की वैल्यू नहीं दे रहा, 200 वोल्ट ई आरएमएस है, फ्रीक्वेंसी की मैंने कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर सो दैट सर्किट रेजोनेट्स, तो रेजोनेंस का मतलब फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई रूट LC, तो आपको इस केस में फ्रीक्वेंसी दे ही रहा है, एल भी आपको दे रहा है, यहाँ से सी आ जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी है, ठीक। करंट एंड वोल्टेज अक्रॉस दी कैपेसिटर एट रेजोनेंस, तो करंट एंड वोल्टेज निकालनी है रेजोनेंस पे, करंट कौन सा आरएमएस, तो आरएमएस करंट क्या होता है ई आरएमएस बाय जेड, पर यहाँ रेजोनेंस में जेड किसके इक्वल है आर, तो यहाँ से ई आरएमएस बाय आर आंसर, और वोल्टेज कैपेसिटर में निकालनी है तो आई इंटू एक्ससी, एक्ससी क्या होता है 1/C ओमेगा, तो आई आरएमएस पता है 1/C ओमेगा की वैल्यू पता है आंसर, रेजोनेंस में आई मैक्स निकालते हैं, हाँ एक्चुअली ऐसा है रेजोनेंस में आई मैक्स निकलता है, ग्राफ ऐसा बनता है रेजोनेंस पे पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे आई मैक्स निकलता है, पर जब ई इफेक्टिव पुट कर रहे हैं तो आई भी इफेक्टिव ही आएगा, रेजोनेंस की कंडीशन डिनोमिनेटर में तक लग रही है, न्यूमिनेटर में भी नहीं लग, ऐसे नहीं है कि बट डिनोमिनेटर लगा सकते हो जेड आर के इक्वल है, तो जो इफेक्टिव करंट मैक्सिमम होना है वो अपना मैक्सिमम हो जाएगा, अगर जेड यूज़ करेंगे तो आई आर एम एस भी कम हो जाएगा, कम से कम आई आर एम एस की वैल्यू तो ज्यादा करो, ऐसा है। फोर्टी फिफ्थ, एन इंडक्टर कॉइल, इंडक्टर का मतलब एल, 6 वोल्ट की बैटरी है एंड स्टेडी करंट ऑफ 12 एम्पियर, जब वो बोलता है इंडक्टर में स्टेडी करंट है ना तो एक्स एल का कोई काम नहीं है, तो किसका काम है, सिर्फ आर का काम है, तो पहली इक्वेशन आपको क्या बताती है, वोल्टेज को करंट से डिवाइड करके पहले तो आर निकाल लो, फर्स्ट स्टेटमेंट क्लियर है, स्टेडी करंट है,
दूसरी स्टेटमेंट है दिस कॉइल इज कनेक्टेड इन सीरीज टू अ कैपेसिटर. अब इंडक्टर में आर तो लगा ही होता है, अगर मैं एसी के साथ ज्वाइन करूंगा तो एक्सएल भी आ जाएगा, एक्सएल भी आ जाएगा, ऊपर से कैपेसिटर भी लग गया, तो अब एलसीआर इन सीरीज का क्वेश्चन हो गया. तो कैपेसिटर के साथ लग गया, एसी सोर्स ऑफ 6 वोल्ट, आरएमएस वैल्यू गिवन है इसमें 6 वोल्ट की, 6 वोल्ट की, ठीक है. करंट इन द सर्किट इज इन फेज विद ईएमएफ, तो ईएमएफ और करंट में एंगल फाई कितना, जीरो. इसका मतलब कि ये कौन सा इस है, रेजोनेंस का. तो रेजोनेंस में ईएमएफ और करंट के बीच में फेज एंगल क्या होता है, जीरो. तो ऐसे केस में तो क्या निकालना है, इसमें आपको निकालना है फाइंड द आरएमएस करंट. आरएमएस करंट क्या होता है, ईआरएमएस बाय जेड. ईआरएमएस तो 6 वोल्ट गिवन है. अब जेड किसके इक्वल है, आर, क्योंकि रेजोनेंस का केस है तो जेड आर के इक्वल है, तो जेड की जगह सिर्फ और सिर्फ आर आंसर. तो पॉइंट समझ में आ रहा है. तो रेजोनेंस का क्वेश्चन या सीरीज एलसीआर का क्वेश्चन अगर रेजोनेंस के साथ आए तो समझो कैलकुलेशन बच गई, और अगर ना आए तो समझो बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, आना रेजोनेंस के साथ ही है, ठीक. 46 रेडियो वेव, रेडियो वेव क्या होती है, ईएम वेव होती है. इसकी जो स्पीड होती है वो लाइट की स्पीड के इक्वल होती है, 3×10^8 होती है. तो रेडियो वेव और वेवलेंथ गिवन कैन बी ट्रांसमिटेड अ कंडेंसर, सी गिवन है, फाइंड इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल एट रेजोनेंस. तो मतलब बेसिकली रेजोनेंस की कंडीशन है, रेजोनेंस की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो 1/2πrootLC है. प्रॉब्लम ये है कि इस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन, इसमें वेवलेंथ गिवन है. तो कोई बात नहीं, रेडियो वेव के लिए अप्लाई करो सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, तो न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, स्पीड ऑफ रेडियो वेव 3×10^8, लैम्डा गिवन है, यहाँ से क्या जाएगा फ्रीक्वेंसी. बट फ्रीक्वेंसी आ गई, सी पता है, एल कैन बी कैलकुलेट आंसर, सी तो दे ही रहा है, एल निकालना है आंसर. ये क्वेश्चन कर लो, पूरा चैप्टर भ्रमण हो जाएगा. पूरा चैप्टर का 2 रह गए, 47. देखो कितने पार्ट है इसके, 9 पार्ट हैं बस. 9 पार्ट में पूरे चैप्टर के एक एक चीज वो आपसे इवैल्यूएट करवा लेगा. करो. देखो 25 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर, सी गिवन है, 0.10 हेनरी एल गिवन है, आर गिवन है, एल सी आर गिवन है, इक्वेशन ऑफ ईएमएफ गिवन है. तो बोलो ये क्या गिवन है, ई नॉट 310 ई नॉट. ये क्या गिवन है, ओमेगा. ओमेगा ई नॉट पता है, ई नॉट पता है तो ई आर एम एस तो आई जाएगा, ई नॉट बाई रूट टू. पहला पार्ट है फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ईएमएफ, तो आई जाएगा. ओमेगा कितना है, 314. ओमेगा क्या होता है, 2π into फ्रीक्वेंसी. तो
तो पहला पार्ट तो बिल्कुल क्लियर है, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी 314 फ्रीक्वेंसी आ गई। नेक्स्ट पार्ट है व्हाट इज द रिएक्टेंस। अब रिएक्टेंस में लोग कंफ्यूज होते हैं क्योंकि दो टाइप की रिएक्टेंस है, एक्स एल वी और एक्स सी वी है, दोनों निकालनी है आपने। इसमें एक्स एल वी निकालना है, एक्स सी वी निकालना है, फिर नेट रिएक्टेंस निकालनी है। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को क्या कर देना है, माइनस। क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपको साथ में कैलकुलेट करना है, ठीक। नेक्स्ट है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट में क्या निकालना है, इंपीडेंस। तो इसके अंदर नेक्स्ट पार्ट है व्हाट इज ही, क्या निकालना है, इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। थर्ड पार्ट में इंपीडेंस आ जाएगी, फॉर्मूला सबको पता है इंपीडेंस का, तो इंपीडेंस के फॉर्मूले में एक्सएल पता है, एक्सी पता है, आर पता है आंसर। नेक्स्ट पार्ट है आरएमएस करंट निकालो, या आरएमएस करंट क्या होता है, ई आरएमएस बाय जेड। अब इस क्वेश्चन के अंदर ई आरएमएस क्या है, ई नॉट बाय रूट टू, ई नॉट आपको पता ही है बाय रूट टू, और जेड आप निकाल चुके हैं आंसर। नेक्स्ट पार्ट में क्या निकालना है, फेज एंगल निकालो, फाई टेन फाई का फॉर्मूला आपको पता ही है, एक्स सी माइनस एक्स एल बाई आर। अरे ये कैसे, जबकि फॉर्मूला क्या होता है, एक्स एल माइनस एक्स सी बाई आर। देखो बड़े में से छोटे को माइनस करना है, इस केस में एक्स सी बड़ा है और एक्स एल छोटा है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये आंसर आएगा। नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस करंट निकालो। अब देखो एक चीज़ को समझते हैं, इसके अंदर अगर इंस्टेंटेनियस करंट निकालना है, और मेरे इस केस में मुझे क्या गिवन है, मेरे इस केस में मुझे x ऑफ c बड़ा गिवन है, जैसे ये vl था, ये vc था, vr था और ये i था, ऐसी था ना हमने अपनी पूरी थ्योरी बनाई थी। जब vl ग्रेटर देन vc तो हमने नेट वेक्टर यहाँ लिया था, पैरेललोग्राम में नेट ईएमएफ यहाँ ही थी, ऐसी था। लेकिन अगर मेरे इस केस में मुझे क्या गिवन है, मेरे केस में गिवन है कि अगर ये वी एल है, ये वी सी है, ये वी आर है, और वी सी ग्रेटर देन वी एल है। क्यों? क्योंकि एक्स सी ग्रेटर देन एक्स एल है। तो ऐसे केस में नेट वेक्टर यहाँ आएगा वी सी माइनस वी एल, और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से फाई कहाँ आएगा, नीचे आएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? फाई नीचे आएगा। अब ऐसे केस में ये ईएमएफ थी और ये करंट था, हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ पीछे है करंट से बाय एंगल ऑफ फाई। तो यानी कि अगर ईएमएफ का की इक्वेशन ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो करंट की इक्वेशन आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, करंट आगे रहेगा बाय एंगल ऑफ फाई, ठीक है। तो इसके अंदर यही करना है एग्जैक्टली, ये देखो, तो इसके अंदर आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ओमेगा टी तो पता ही है, फाइव हमने निकाल लिया, आंसर आ गया। हमें आई नॉट चाहिए था, हमने आई आरएमएस निकाल रखा है, आई आरएमएस को रूट टू से मल्टीप्लाई करके आई नॉट कैन बी कैलकुलेटेड। नेक्स्ट जो पार्ट है अफेक्टिव वोल्टेज, अफेक्टिव वोल्टेज का मतलब आरएमएस वोल्टेज निकाल लो कैपेसिटर के अक्रॉस, आई आरएमएस इनटू एक्ससी। नेक्स्ट पार्ट है इसी के अंदर अफेक्टिव वोल्टेज इंडक्टर में, आई आरएमएस इनटू एक्सएल। रेजिस्टर में आई आरएमएस इनटू आर। और डायग्राम ड्रॉ करो, डायग्राम मैंने अभी बोर्ड पे वही करके दिखाया कि डायग्राम कहाँ बनेगा, नीचे बनेगा, ऊपर नहीं बनेगा, ठीक। इम्पीडेंस निकालो, इम्पीडेंस हो गई क्योंकि आखिरी पार्ट है आपको इसमें, जो लास्ट पार्ट में गिवन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस। अब इंडक्टेंस आपको पहले गिवन भी थी, उसको पूछना चाहिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ न्यू इंडक्टेंस। एक फिर से एल निकालो, जब इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट इज मिनिमम, इम्पीडेंस जेड मिनिमम का मतलब क्या है, रेजोनेंस है, और रेजोनेंस में एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी। तो यहाँ से एल एक तरफ, बाकी टर्म एक तरफ, सी पता है, फ्रीक्वेंसी पता है, आंसर। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, यानी कि आपको एक एल तो गिवन ही था और एक एल आपको निकालना है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ठीक है यहाँ तक। 48th क्वेश्चन।
48th में 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर क्या गिवन है, सी आर एल. व्हाट शुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी फॉर विच करंट ड्रॉन इन द सर्किट इज मैक्सिमम. कौन सी फ्रीक्वेंसी पूछ रहे, एलसीआर में करंट मैक्स कब होता है, एट रेजोनेंस जेड मिनिमम होता है, आर के इक्वल और करंट मैक्स होता है, तो कौन सी फ्रीक्वेंसी निकालनी है इसमें, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी. एल पता है, सी पता है आंसर. दूसरा पार्ट है क्या निकालना है, ई आर एम एस गिवन है, सॉरी पीक वैल्यू का मतलब ई नॉट गिवन है, तो क्या निकालना है, इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस. तो पहला पार्ट है कैलकुलेशन ऑफ एक्स एल एंड एक्स सी. एक्स एल क्या होता है, एल ओमेगा, एक्स सी सेम होगा क्योंकि रेजोनेंस है, तो एक्स एल और एक्स सी की वैल्यू एग्जैक्टली, तो एक्स एल निकाल दो, एक्स सी सेम है, रेजोनेंस है. टोटल इंपीडेंस करने की जरूरत क्या है, क्योंकि इंपीडेंस में जेड क्या होता है, आर हो जाता है एट रेजोनेंस, क्लियर है, क्योंकि एक्स एल एक्स सी के साथ कैंसिल हो जाता है. नेक्स्ट है फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड रजिस्टर. अगर आपको एल सी आर का डायग्राम याद हो, ये वी आर होता था, ये वी एल होता था और ये वी, तो आर और एल में एंगल क्या होता था वोल्टेज में 90, रजिस्टर और इंडक्टर में एंगल क्या होता था 90. फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड कैपेसिटर, इंडक्टर की वोल्टेज ऊपर होती थी कैपेसिटर की नीचे, चाहे वो कैंसिल करते थे पर दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो एंगल उनके बीच में क्या होता है 180. 49th, देखो इसमें इन सीरीज एलसीआर सर्किट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज 800, तो एफ आर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी गिवन है. हाफ पावर पॉइंट्स आर ऑब्टेंड, ये कौन से होते हैं, हाफ पावर पॉइंट्स आर ऑब्टेंड एट फ्रीक्वेंसी 745 एंड 855. तो याद है उस डायग्राम में एक ओमेगा वन होता है, एक ओमेगा टू होता है, सीरीज एलसीआर में एक ओमेगा आर होता है, ओमेगा वन ओमेगा टू को हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, हाफ पावर भी बोलते हैं. क्यों हाफ पावर फ्रीक्वेंसी क्यों बोलते हैं, क्योंकि उस टाइम करंट क्या होता है आरएमएस, आरएमएस करंट क्या होता है आई नॉट बाय रूट टू, पावर आई स्क्वायर की फॉर्म में होती है, आई स्क्वायर में आई नॉट बाय रूट टू का स्क्वायर क्या होगा, आई नॉट स्क्वायर बाय टू, तो पावर क्या हो जाएगी हाफ. आरएमएस करंट आई नॉट बाय रूट टू होता है ना, तो ओमेगा वन ओमेगा टू दो फ्रीक्वेंसीज हैं जब करंट आई आरएमएस है, आरएमएस करंट क्या होता है आई नॉट बाय रूट टू, पावर आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, तो आई नॉट बाय रूट टू का स्क्वायर क्या होगा, आई नॉट स्क्वायर बाय टू, हाफ पावर बोलते हैं ऐसे. ठीक है, तो एफ वन एफ टू गिवन है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी गिवन है, बैंडविड्थ निकाल लो या क्यू वैल्यू निकाल लो, क्यू वैल्यू का ये फॉर्मूला करवाया था, तो क्यू वैल्यू में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पता है, एफ टू एफ वन पता है, और ऐसी बैंडविड्थ क्या थी, एफ टू माइनस ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन भी हो सकती है, एफ टू माइनस एफ वन भी हो सकता है, एक ही बात है. क्लियर है यहां तक, तो अभी इसलिए मैं इसके आगे नहीं चला दूसरे बैच में, बंद नहीं करनी कॉपी अभी, ठीक, मैं आगे नहीं चला, पावर का मैंने नहीं करवाया. इसके चार अनसॉल्व प्रॉब्लम आपने अभी सॉल्व करने हैं, बाकी पूरी शीट आपने एज अ होमवर्क करनी है. स्टार्ट करो.